हेलो गाइस, वेलकम टू कंपाउंड द मनी चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड द मनी कैसे एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, हु डज नॉट अंडरस्टैंड इट पेज इट। मतलब जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझ में आ जाता है वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं अपने लाइफ में, और जिनको नहीं समझ में आता है वो इसी कंपाउंडिंग को इन टर्म्स पे कर देते हैं बैंक को या समवन एल्स। हाउ वी आर मिसिंग अपॉर्चुनिटी टू मेक लैक्स एंड करोड़। अगर आपको कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है एंड आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली आप लैक्स एंड करोड़ बना सकते हो इन वेरी इजी वे। बट अगर आपको नहीं समझ में आता है वही चीज, तो आप वो अपॉर्चुनिटी को इनडायरेक्टली लूज कर दे। सपोज कीजिए कि आप 10,000 रुपीज एवरी मंथ एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट विल कम अराउंड 1,20,000 होगा। सेम चीज आप कंटिन्यू करते हैं ऑलमोस्ट 20 इयर्स के, 24 लाख इन टोटल आप कंट्रीब्यूट करोगे। बट आपको अगर रिटर्न वो 8% to 9%, तो अभी के डेट में आप देख लो कोई भी रिटर्न जो होता है, जैसे एफडी का रिटर्न कितना है, हार्डली 6% अभी के डेट में। पीपीएफ ये सब का रिटर्न कितना है, हार्डली 8.5 or 9%। देन इरेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड में भी आप डालते हो तो 10 to 12% आएगा, राइट। तो अगर आप इस रेट से अपने मनी को ग्रो करोगे ना तो उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इस रेट से ग्रो करोगे तो लेट मी टेल यू, अगर आपका 10% के हिसाब से भी करोगे ना, जो मैं बेस्ट केस मान रहा हूँ, सपोज आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है जहां से 10% पर ईयर मिल रहा है आपको, राइट, तो वो भी करोगे तो 24 लाख जो है आपका कन्वर्ट होकर हो जाएगा 75 लाख, करेक्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी है जो आप देख सकते हो, 24 लाख कन्वर्ट होकर हो जाएगा आपका 75 लाख। बट सेम थिंग अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक मार्केट से 20-30% पर ईयर कमाना बहुत आसान है, इफ यू हैव प्रॉपर स्ट्रेटजी। मतलब आप जानते हो इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर नॉलेज के साथ करोगे तो 20-30% आराम से मिलता है, राइट। तो अगर आप सेम मनी 10,000 रुपीज एवरी मंथ और 20 इयर्स इन्वेस्ट करोगे तो सेम 24 लाख इन्वेस्ट करोगे, बट सपोज करो आपका रिटर्न 20% है तो ये बन जाएगा आपका 3.6 करोड़। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला P × 1 + R/100 to the power T। तो हमेशा दो चीज इंपॉर्टेंट होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पहला इंपॉर्टेंट है टाइम, तो जो जितने यंग है उनके पास वो बेनिफिट है कि टाइम उनको ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा उनका कंपाउंडिंग होगा। एंड देन सेकंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न आप अपने पैसे के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना मिल रहा है, राइट। तो जैसे मैंने बोला 10% अगर आपको मिलता है, विच इज बेस्ट के साम पे, राइट, अभी के जमाने में 10% लोग नहीं बना पा रहे हैं पर ईयर, राइट। तो वो आप करोगे जो कि अदर इन्वेस्टमेंट से करोगे, डेट इंस्ट्रूमेंट से या अदर इन्वेस्टमेंट, तो आपको 65 लाख रुपए आएगा। लेकिन सेम चीज आप अगर स्टॉक मार्केट से शुरू करते हो तो 20% तो बहुत ईजी है, तो आपको ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ या 3.6 करोड़ मिलेगा। सो दैट कम्स अराउंड कि आपने कितना ज्यादा अर्न किया, 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा। तो उसको अगर 20 इयर्स में डिवाइड भी करते हो तो पर ईयर दैट मीन्स यू आर एबल टू मेक 20 लाख, क्योंकि 12 से डिवाइड करोगे तो आपको 20 लाख पर ईयर मिला लगभग। दैट मीन्स 20 लाख पर ईयर आप लूज कर रहे हो अपॉर्चुनिटी इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन टू स्टॉक मार्केट। तो दैट मीन्स एवरी मंथ यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू मेक 1.5 लाख। अगर आप सेम इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करोगे तो वहां से 20% बनाना बहुत ईजी है। आई एम मेकिंग ऑलमोस्ट लाइक 30-40% पर ईयर nowadays, एंड 3-4% पर मंथ भी हो जाता है। दैट इज वाई आई लव दिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दैट इज वाई माई कंपनी नेम इज ऑल्सो कंपाउंड मनी। आई होप आपको समझ में आया होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। Like this video and subscribe to the channel. Thank you.